और प्रधानों को पैकेट दे दिए जाएंगे, प्रधानों का जो लोग आए प्रधान बांट देंगे उन पैकेटों को। लंच पैकेट प्रधानों को देने की बात करने वाले यह हैं हरदोई से विधायक नितिन अग्रवाल। यह तस्वीरें रविवार को हरदोई में आयोजित पासी समाज सम्मेलन की हैं, जो शहर के प्राचीन श्रवण देवी मंदिर प्रांगण पर हुआ था। सम्मेलन के बाद लोगों को लंच पैकेट दिए गए, जिसमें पूड़ी के साथ शराब की बोतलें लोगों को परोसी गईं। आप देख सकते हैं कि कैसे विधायक जी ने अपने वोटरों को शराब की बोतलें परोसी। इतना ही नहीं, यह पैकेट छोटे छोटे बच्चों को भी दिया गया। डिब्बा में, और ये है डिब्बा में। क्या है ये? वोटर है ये। कहाँ से आए? नितिन अग्रवाल ने दिए। वोटों के लिए इस तरह बच्चों को शराब देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद हरदोई के सांसद अंशुल वर्मा ने अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमारे समाज यानी कि पासी समाज का सम्मेलन श्रीमान नरेश अग्रवाल जी द्वारा श्रवण देवी मंदिर में किया गया, वहां पर जिस प्रकार से हमारे समाज का उपहास किया गया, भोजन के साथ उन्हें शराब की बोतलें परोसी गई। उपहास इसलिए कह रहा हूं मैं कि आज उन बच्चों के हाथ में, जिनके हाथों में हम कलम थमाकर आए थे, पुनः बयान उन्होंने दिए, वही आचरण उनका आज भी भाजपा में जारी है। इसके लिए मैं कल प्रशासन को भी लिखूंगा कि किस प्रकार से ये चूक हुई है, चाहे ये डीएम थे चाहे कप्तान थे। बता दें कि विधायक नितिन अग्रवाल के पिता नरेश अग्रवाल इससे पहले भी सुर्खियों पर रहे हैं। इससे पहले वे संसद में भगवान राम और शराब को लेकर बयानबाजी कर चुके हैं, और अब आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह एक मंदिर में सम्मेलन कराकर लोगों को शराब बांटने के कारण वे एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। हालांकि सम्मेलन के बाद पिता पुत्र दोनों लखनऊ रवाना हो गए, लेकिन इस तरह वोट के लिए शराब का सहारा लेकर नेताजी ने खुद अपनी मुश्किलें बढ़ा ली हैं।